Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Shalini Seth, your mentor, and if you are new to my channel, I am a professional makeup trainer, and in this video I am going to tell you how to apply glitter perfectly and precisely. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग द एरिया फॉर अप्लाइंग ग्लिटर। सबसे पहले मैं एक एरिया बेस बना रही हूँ जहाँ मैं ग्लिटर अप्लाई कर सकूँ। जो सारा जो आई शेडो है उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आई शेडो को अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जो क्रीज एरिया पे है, इनर कॉर्नर पे है और आउटर कॉर्नर पे है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका दोनों जो आई शेडो एप्लीकेशन है दोनों आईज़ में वो बिल्कुल इक्वल है। आपको बार बार उसको नोटिस करना है, देखना है, मैच करना है कि पूरा आपका आई शेडो एप्लीकेशन इक्वली होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ग्लिटर लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, एक ग्लिटर ज़्यादा लग जाएगा, एक कम लग जाएगा, तो इट वुड लुक बैड। क्योंकि जो ग्लिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। अगर आप उसका एरिया ज़्यादा कम होगा तो वो गंदा लगेगा। ग्लिटर्स हमेशा आपने लेने हैं बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी में, 0.2 नंबर, राइट, 0.2 नंबर। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर के ग्लिटर्स लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप को बहुत ख़राब दिखाएंगे। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ एरिया फॉर अप्लाइंग अ ग्लिटर। तो हम लोग एरिया बना रहे हैं एक फ्लैट ब्रश से। पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ मैंने ग्लिटर लगाया है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। फ्लैट ब्रश, फ्लैट डिफाइनर ब्रश आई एम यूजिंग फ्रॉम ब्योनी बेले। फ्लैट ब्रश से हम लोग कंसीलिंग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जहाँ मैंने ग्लिटर अप्लाई करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है टू शो द ग्लिटर पिगमेंट। पूरा जो ग्लिटर का पिगमेंट है वो दिखना चाहिए। और जिस भी एरिया में आप ये स्टेप कर रहे हैं, प्लीज़ स्ट्रेच योर आइज़ को अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आपका रिंकल ना आए और जो है प्रोडक्ट वहाँ डिपॉजिट ना हो। अगर प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाएगा तो जब आप ग्लू लगाओगे या ग्लिटर लगाओगे तो वहाँ पे डिपॉजिटिंग दिख सकती है, रिंकल आ सकता है उस एरिया पे। अच्छे से आपने स्ट्रेच करना है उस एरिया को, और उसके बाद आपने एक नेचुरल शेड लेके उसको सेट करना है एरिया को। आप नेचुरल न्यूड शेड ले सकते हो, बेस कलर ले सकते हो बिल्कुल, या फिर अगर आपके पास नेचुरल शेड नहीं है तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तो आप कॉम्पैक्ट से उसको एरिया को सेट कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ले रहे हैं जिस कलर का हमने ग्लिटर लगाना है उसी से रिलेटेड शिमर शेड, राइट, क्योंकि जो ग्लिटर के नीचे जो बेस हमें दिखेगा, शिमरी बेस दिखेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा अगर ऑलरेडी उस पर एक शिमर शेड अप्लाई होगा। अगर हम अनटाइडी एरिया पे, जो हमारा पहले अगर हम विदाउट कंसीलिंग लगाते हैं तो वो चीज़ लुक नहीं आएगी, वो इंटेंस नहीं लगेगा ग्लिटर। तो ये चीज़ हमें एरिया को क्लीन करके कंसील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आई एम ब्लेंडिंग द शिमर शेड विद द इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर। जो मैंने शिमर शेड लगाया था उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन सी दिखेगी जो बहुत गंदी और अनप्रोफेशनल लगेगी। पता लग जाएगा कि ये जो आई मेकअप करा है एक अनप्रोफेशनल पर्सन ने करा है। तो इसको ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने शिमर शेड लगाया है उसको हमें इनर एरिया और आउटर एरिया में ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रिसाइज ब्रश टिप से, प्रिसाइज ग्लू से, जो ग्लू अब आती है वो प्रिसाइज टिप के साथ आती है, सो दैट आपको एक पर्टिकुलर एरिया में लगाना है ग्लू, आपको आप वहाँ एडहेसिव लगा सकते हो। जैसे मैं लगा रही हूँ, ये व्योनी बेले की है ग्लू फिक्सर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इफ़ यू वांट टू बाय। बहुत इजीली स्मूथली लगती है, इससे आप, इस टिप से आप कट क्रीज पे लाइनर लगा सकते हो, लैश लाइन पे लाइनर लगा सकते हो। आपको 10 तरह के ग्लिटर आईलाइनर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ इग्नोर जो पुरानी तरह की, पुरानी ओल्ड फैशन ग्लिटर फिक्सर आती थी,
जो ट्यूब में आती है और हम लोग फिंगर से लगाते हैं वो प्रिसाइसली नहीं लगती और वाइट कलर में होती है, जिससे कि हमारे ग्लिटर का जो शेड है वो डल पड़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा हमें जो ग्लिटर ग्लू लगानी है वो ट्रांसपेरेंट लगानी है। एंड इफ़ यू कैन बाय जो अब लेटेस्ट चल रही हैं विद द टिप, उससे आपको बहुत ज़्यादा और फैसिलिटी मिल सकती है। आपका क्रीज पे भी ग्लिटर लगा सकते हो और लैश लाइन में भी आप उसे एज अ ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश से मैं बहुत स्मूथली बहुत सॉफ्टली ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत क्विक ड्राई थी जो मैंने अभी ग्लिटर ग्लू यूज़ करी है, तो बहुत ईजीली ये फटाफट से ड्राई हो जाएगा, ग्लिटर इस पर स्टिक हो जाएगा। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ प्योर गोल्ड शेड फ्रॉम ब्योनी बेले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इफ़ यू लाइक दिस ग्लिटर। ये गोल्डन ग्लिटर है, ब्राइडल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडियन वेडिंग में ये बहुत यूज़ होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस ग्लिटर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो। ग्लिटर्स हमने बहुत स्मूथली अप्लाई करना है और फाइन ग्लिटर है, क्विक ड्राई है, ग्लिटर फिक्सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ग्लिटर्स हमेशा फाइन क्वालिटी के लेने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। 0.2 नंबर जो बहुत मोटे ग्लिटर्स होते हैं और लो क्वालिटी होते हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, वो आपकी सारी मेहनत सारा मेकअप ख़राब कर देंगे। उसके बाद भी हम लोग अब दोबारा ग्लिटर फिक्सर, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ग्लिटर मेरा कम लगा है, ग्लिटर को मैच करना है, दोनों जो हमारी आईज़ हैं उसमें इक्वल होना चाहिए और जहाँ हमें लग रहा है कि क्वांटिटी कम है उसको प्लीज़ मैच करते रहिए और उधर उधर में प्रिसाइज टिप से जो हमारे ग्लिटर फिक्सर में है उसी टिप से मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ग्लिटर फिक्सर लगा रही हूँ, ग्लिटर ग्लू में लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ग्लिटर कम लग रहा है और उसमें मैं दोबारा से उतने पर्टिकुलर एरिया में मैं ग्लिटर दोबारा अप्लाई करूँगी और उसको फिर आई शेडो से लास्ट में ब्लेंड भी ज़रूर करना है आपको। तो मैं ये प्रिसाइज एरिया में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कम है ग्लिटर अकॉर्डिंग टू अनदर आईज मैंने वहाँ लगा दिया है और इसको सेटिंग स्प्रे से लास्ट में हमने सेट करना है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।